गुड इवनिंग कैम्स और जस्ट आई होप के सब ठीक होंगे। तो आज शाम का वीडियो हम ले रहे हैं पूरा, और अभी हम जा रहे हैं खेत में, डायरेक्ट खेत में छोटे छोटे जो टमेटो आते हैं वो लेने हैं। और शाम का वीडियो इसलिए हम शूट कर रहे हैं क्योंकि आज पूरा दिन हम बाहर थे, कॉलेज थे, तो वहाँ पे कुछ वीडियो नहीं शूट कर पाए। तो चलो डायरेक्ट यहाँ से चलते, और अभी थोड़ी सी ठंडी भी कम होने लगी है तो आज तो, और यहाँ पे देखो सॉरी ऐसे रखना पड़ेगा हमारा। तो यहाँ पे मस्त अभी सो क्या उसको सोई थोड़ा थोड़ा, फिर वहाँ पे फ्लावर वो भी पक गए। आपको मैं दिखाता हूँ कि फ्लावर्स में भी बीज जो आते हैं वो कैसे आते हैं। तो यहाँ पे देखो इसमें बीज लगते हैं थोड़े छोटे छोटे, इसमें सारे ये पूरी तरह से बर्बाद हो गया, मतलब खराब हो गया है। यहाँ पे भी है, और हमने इसको एक बार खाया था तो मतलब कि उसका थोड़ा सा टेस्ट कड़वा लगा था, पता नहीं अब कैसे क्या हुआ है। और ये जो गुआर थके थे तो वो छोड़ भी बर्बाद हो गए पूरी तरह से, वो इसका पता नहीं कि वो क्यों हमें कड़वा लगा, कैसे लगा। तो उस फिर हमने खाना छोड़ दिया और फिर ऐसे करके करके वो सारे पक गए। तो यहाँ पे भी मस्त जुआर का खेत है पूरा, जो दूसरी कटाई आने वाली थी तो उसमें अभी ब्लैक घास है वो भी डालना है। और ये भी देखो जब जब ठंडियों का मौसम जाने लगा तो घास भी बढ़ने लगा है, आप देख सकते हैं। तो हम अभी पहुंचने वाले हैं, पहुंच गए कह सकते हैं। यहाँ पे देखो टमाटर है, ये देखो यहाँ पे टमाटर देख रहे हैं, इसको ले लेते हैं। ये खाने में बहुत टेस्टी होते हैं, देखो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी होते हैं खाने में। और ये मार्केट में आप जाओ तो ये कम देखने को मिलते हैं क्योंकि इसकी कोई स्पेशल खेती नहीं करता। अब करता हो तो हमें पता ही नहीं, लेकिन हमारे यहाँ पे जो बड़े टमाटर आते हैं उसकी करता है, क्योंकि वो यहाँ पे हमारे मार्केट में हमारे खेत में बहुत कम होते हैं, तो बाहर होती होगी। और ये बहुत ज़्यादा हो, देसी टमाटर है, देसी टमाटर के लिए यहाँ पे आना पड़ता है गांव में, और हमारे यहाँ तो खेत में ही सब मिल जाते हैं। और वहाँ पे आप देख सकते हो बहुत जगह पे है यहाँ पे, और ये सारे पक गए वैसे तो। यहाँ पे देखो फिर ये अभी कच्चे है, जो यहाँ पे देखो ये थोड़े से कच्चे दिख रहे हैं, ये थोड़ा सा कच्चा और सब मिक्स में है, थोड़ा से ही ले जाने अभी सब्जी में डालने। वैसे तो हमारे पास यहाँ पे भी बड़े टमाटे भी बहुत है, वहाँ पे आप खेत में से देख सकते हैं। हमने अभी पहली बार ट्राई किया था तो हो गए थे, तो अभी वहाँ पे लेकिन इसका टेस्ट थोड़ा सा, और क्या हमने थोड़े दिन पहले आपको बताया था कि पता नहीं कि अगले वीडियो में जो इसका सूप बनाते हैं बहुत ही टेस्टी होता है, क्योंकि थोड़े से खट्टे मीठे होते हैं तो खाने में भी बहुत मज़ा आता है। तो यहाँ से दूसरी ओर जाना पड़ेगा हमें, ये पहुंच गए। यहाँ पे देखो बड़े टमाटर हैं, इसलिए थोड़ा सा वीडियो भी हिलाएगा क्योंकि एक हाथ से काम कर रहे हैं और एक हाथ से वीडियो शूट कर रहे हैं। और आज पूरे दिन का वीडियो शूट नहीं हो पाया तो इसलिए हमने अभी शाम में स्टार्ट किया था, तो थोड़ा सा कल से दिक्कत आ रही है कि वीडियो हम पता नहीं कि स्टोरेज क्या आपका पता जो बहुत बढ़ गया है, या फिर वीडियो शूट तो कर रहे हैं लेकिन देखो साथ में कच्चे भी आ गए। तो यहाँ पे भी है, तो चलो इसको लेके चलते डायरेक्ट घर। या चलो ये अभी बहुत अभी शाम का वक्त हो गया है, और टमाटर हम खेत में से लेकर अभी जा रहे हैं घर, और इतने तो हो जाएंगे क्या लगता है कि हो जाएंगे इतने सारे, तो फिर पता नहीं कि अब, तो चलो डायरेक्ट चलते हैं घर। ऐसा तो बहुत ज़्यादा है, हो ही जाए क्योंकि आधे किलो जैसे लग रहे होंगे, तो चलो डायरेक्ट हम चलते हैं।